चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास जारी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दूसरा इजलास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम आज भी ब्रीफिंग दे रही है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद, बताइएगा इस इजलास की मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है और चीफ इलेक्शन कमीशनर इजलास की सदारत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन का ला विंग सुप्रीम कोर्ट के फैसला मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से पीटीआई को उस पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दे रहा है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। और गुज़िश्ता दिन भी इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ था जो कि बेनतीजा ख़त्म हुआ था। आज दोबारा इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन के जो ला विंग की जो ब्रीफिंग है वो आज भी जारी है। और इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन जो है एक प्रेस रिलीज के जरिए आज के होने वाले फैसलों से मुतालिक या दी जाने वाली ब्रीफिंग से मुतालिक कौम को भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक है अहमद नवाज, आपका बहुत शुक्रिया।